मैं पुलिस विभाग में बहुत लंबी नौकरी की है। हमेशा लोग मुझसे कहते हैं कि क्या मिला, मेरे सारे काम का एप्रिसिएशन मिला, हर लोगों का समर्थन मिला, वही मेरी संतुष्टि है। ऐसी बात नहीं है कि मैं पुलिस ही बनना चाहता था, लेकिन एक चांस है कि मैं नौकरी में आया। काउंटर तो सिचुएशन के अनुसार बता है, ऐसा नहीं है कि कोई सोचा समझा हुआ है। एक मुठभेड़ में एक क्रिमिनल, बहुत हार्डन क्रिमिनल था बेगूसराय का, जो यूपी बिहार सब जगह किडनैपिंग मर्डर वगैरह में बहुत वांछित थे। इन्फॉर्मेशन पर मैं यूं ही चला था, मैं पांच आदमी था, पांचों ही ओनली रिवॉल्वर पर। मैंने अपनी जीप को उसके मारुति वाहन के सामने लगा दिया था, उसने जैसे ही राइफल से फायर किया तो मिस फायर हुआ उसका राइफल मेरे पर, और उसके बाद मैं तुरंत डिटोनेट से गोली चलाने लगा। उसने 50 राउंड 100 राउंड गोली चलाया, AK-47 से कार्बाइन से रोड का पीछ उड़ गया। ऊपर वाले की मेहरबानी, मेरे को गोली नहीं लगी, मेरे लोगों को भी गोली उस समय नहीं लगी, और हम लोग उसका पीछा करते हुए फिर रीइन्फोर्समेंट बुलाए और जाकर 3-4 किलोमीटर एक गांव में उसको घेर कर हम लोगों ने बहुत बार आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन वो गोली चलाता रहा। मैं सोचा कि अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ, लोग मेरे को बोलते या ना बोलते, मैं घुट घुट के मरता कि मैंने छोड़ दिया। तो मैंने उस समय तत्क्षण डिसाइड किया था कि मेरे को गोली चलाना है, उसका जवाब देना है, मरना है तो मर जाना। मैं विभाग में रहा हूं और विभाग में मेरे को सारे मेडल मिले। प्रेसिडेंट के द्वारा जो गैलेंट्री मेडल मिलता है, वो दो दो गैलेंट्री मेडल मैंने पाया। सराहनीय सेवा मेरिटोरियस मेडल मेरे को मिला। डर से कुछ नहीं होता है किसी भी चीज में, चाहे वो अपराधी के मुठभेड़ के बात हो, गोली लग रही हो उसकी बात हो, अगर आप में इच्छा शक्ति है, दृढ़ता है, तो आप हर जगह सफल। यंग लड़के लड़कियां इस पुलिस विभाग में आए तो इसकी छवि और निखरेगी, वो नए तरीके से अपनी सोच रखेंगे, अच्छे तरीके से कानून को समझेंगे और स्टूड करेंगे। मैं टारगेट में थी, मुझे एक दिन में कैन यू बिलीव 7 बजे से रात के 12 बजे तक 86 फोन कॉल्स आए थे, वो भी मार देंगे, रेप कर देंगे, परिवार को ख़त्म कर देंगे, चीज़ें कर देंगे। मैं सवेरे 7 बजे से सुन रही थी उसकी चीज़ें। ये हमारे पहलवान हैं, ठीक है, ये बॉन्सर बनना चाहते हैं हमारी तरह। हम भी अभी इस टाइम वर्कआउट कर रहे हैं अपने अखाड़े में, अब जाके शाम को ड्यूटी चले जाएंगे।